अगला सवाल करते हैं। अगले सवाल में प्रॉब्लम 1.3 कहता है लेंथ एंड विथ ये दोनों हैं, निकाल लेते हैं उसका एरिया। अब ये देखें रेक्टेंगुलर पल्स, अच्छा छोड़ो अपना करते हैं हम, रेक्टेंगुलर पल्स रेक्टेंगुलर है जी, रेक्टेंगुलर पल्स है, ओ प्लेट है, ले भाई गलती निकल आई, रेक्टेंगुलर प्लेट, कभी रेक्टेंगुलर प्लेट देखी। अच्छा कहता है लेंथ और विथ है 15.3 12.8, अच्छा जो भी है, रेक्टेंगल की क्या खास बात होती है, ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर, ठीक है छोटी क्लास में तो पढ़ा देते हैं लेकिन हमने नहीं पढ़ा होता, और हम जैसे अच्छे बच्चे और कुछ बहुत ही जहीन और अच्छे बच्चे बाद में आकर सीखते हैं, तो अगर आप जहीन और अच्छे बच्चे हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखें एरिया कैलकुलेट कैसे करते हैं जी, एरिया का क्या फार्मूला होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं बस, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ, लेंथ क्या थी 15.3 सेंटीमीटर, विथ क्या थी 12.8 सेंटीमीटर, यहाँ सी लिख लो एक ही बात है, क्या आंसर आ जाएगा 195.85, एक सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब जो ये भी सवाल ना करे उसको हम क्या कहें। अच्छा अब सिर्फ क्या है जी, इधर हमने इसको राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ क्या पॉइंट में नहीं आंसर आना चाहिए, तो ये 85 है, आप कहते हैं जी सर जी 196, काम खत्म, अगला सवाल करें।